किसी ने अगर गलती से जोर खोल दिया मेरी गाड़ी पे, अगर लग भी जाता तो एटलीस्ट वो एक साइड पे लगेगा, दूसरे साइड पे गाड़ी नहीं है इसलिए वो सेफ रहेगा। जस्ट माय थिंग्स आई डू व्हाइल पार्किंग माय कार, बिकॉज मुझे बिना लगा आई एम वन ऑफ दोस पर्सन जिसे एकदम प्यार से रखना पसंद है, अच्छे से रखना पसंद है गाड़ी, तो इसलिए आई जस्ट टेक दिस प्रिकॉशंस। इफ़ यू आर लाइक मी लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। तब तक मैं अपना गाड़ी अभी यहाँ से निकाल के वहाँ पर डालता हूँ। Hey guys, good morning. How are you all once again? Welcome back to the channel. It is a Sunday, a very cold Sunday at it, around -9 या -10 है बाहर। And मैं बस नीचे इसलिए आया था because कल रात मैं डिनर पे गया था बाहर, and then जब मैं वापस आया रात को तब आई फाउंड आउट कि मेरे घर के जो सारी पार्किंग है वहाँ पे फुल थी। यूजुअली क्या होता है, सैटरडे पे पीपल हैव विजिटर्स कमिंग ओवर, तो यूजुअली गेस्ट लोग वगैरह पार्क कर देते हैं, एंड यू नो यहाँ पे इट्स जस्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो ऐसा कुछ रिजर्वेशन नहीं है पार्किंग का, तो जो भी पहले आता है वो पहले पार्क कर देता है। सो एज यू कैन सी अभी भी पूरा ऑलमोस्ट फुल है, एंड दिस इज़ माई अपार्टमेंट ये वाला, तो इसके सामने मैं यूजुअली पार्क करता हूँ। आई ऑलवेज प्रेफर कि मेरी गाड़ी मेरे अपार्टमेंट के सामने, मेरे आँखों के सामने रहे। आई डोंट नो, दिस इज़ जस्ट my thing. If you also do something like this, do let me know in the comments. And I have another particularity about how and where I park my cars. Usually मैं क्या करता हूँ, I never park on this side, because क्या है मेरा ऐसा मानना है, मेरी से थियरी है कि अगर कोई भी इस साइड पर पार्क कर रहा है, अपोजिट साइड पर कोई सामान लेके जाना है किसी को, तो ऑब्वियसली दे विल गो थ्रू इन यू नो लाइक इन बिटवीन वन ऑफ दीज कार्स। जब कोई यहाँ से जाता है, कोई बड़ा आइटम होगा गाड़ी पर लग सकता है, स्क्रैच वगैरह हो सकता है, तो आई प्रेफर पार्किंग ऑन दिस साइड ऑफ द रोड। एंड इसमें भी आई एम वेरी पर्टिकुलर कि मैं इधर ये वाले कॉर्नर में लगाता हूँ या फिर वो उस साइड वाले कॉर्नर में लगाता हूँ, जस्ट बिकॉज किसी ने अगर गलती से जोर खोल दिया मेरी गाड़ी पे, अगर लग भी जाता तो एटलीस्ट वो एक साइड पे लगेगा, दूसरे साइड पे गाड़ी नहीं है इसलिए वो सेफ रहेगा। जस्ट माय थिंग्स आई डू व्हाइल पार्किंग माय कार, बिकॉज मुझे बिना लगा आई एम वन ऑफ दोस पर्सन जिसे एकदम प्यार से रखना पसंद है, अच्छे से रखना पसंद है गाड़ी, तो इसलिए आई जस्ट टेक दिस प्रिकॉशंस। इफ़ यू आर लाइक मी लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। तब तक मैं अपना गाड़ी अभी यहाँ से निकाल के वहाँ पर डालता हूँ। Alright, so according to me, now the car is in a safe zone. वैसे यहाँ पे usually इतना problem नहीं होता because this is a gated community. आप key के बिना you know like sensor वाली key के बिना इस community में घुस भी नहीं सकते, तो उतना tension है नहीं, but still I like to be the most peculiar when it comes to parking. Anyways, I want to talk to you guys about where I was since the past week, because एक पूरे हफ्ते में vlog नहीं डाला, this is probably the longest break that I've taken since I started YouTube. So let's start. Right, so first things first, इस पूरे हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा बिजी था with work and with a lot of things. There is something coming up. Actually, something is going to happen जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से इंतज़ार कर रहा था. I was waiting for it since a very 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 long time. And बस उसी की तैयारी में लग गया था. So that is something that is going to be a surprise for you all also. तो मैं इतने जल्दी नहीं बताऊँगा, but बहुत ही जल्द टाइम आने वाला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट. सो या आई वाज जस्ट बिजी विद दैट, एंड मैंने सोचा कि मेरे पास अगर नहीं है टाइम तो आई जस्ट डोंट वांट टू गो आउट लाइक हाफ हार्टेडली एंड यू नो लाइक जस्ट मेक कंटेंट जस्ट बिकॉज आई हैव टू. मैंने सोचा कि आई वुड रादर टेक अ ब्रेक, मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, यू नो लाइक आई विल गिव टाइम फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, ताकि जो मुझे काम फिलहाल अभी ख़त्म करने हैं बिफोर दैट थिंग हैपन्स वो सारे ऑन टाइम ख़त्म हो. आई नो आपको ऐसा लग रहा हो कि ये वेगली क्या बात कर रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बट आपको धीरे धीरे समझ में आएगा. ज़्यादा टाइम नहीं है वो चीज़ होने के लिए, इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू हैपन वेरी वेरी सून. इनफैक्ट आपको शायद एक या दो व्लॉग में ही पता चल जाएगा, बट या दिस नेक्स्ट वीक इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी बिजी.
तो इसलिए शायद इस वीक में भी ज़्यादा व्लॉग नहीं आएंगे. आई ट्राई टू अपलोड वन मोर, आई ट्राई टू अपलोड एटलीस्ट वन मोर इन दिस वीक, बट देन आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा मुझे टाइम मिलेगा. सो आई थॉट कि चलो एटलीस्ट आपसे आके बात कर लेता हूँ. आई विल प्रॉब्ली ट्राई टू डू इंस्टाग्राम लाइव और यूट्यूब लाइव सून ऑल्सो, ताकि यू नो लाइक अपन और ज़्यादा बातचीत कर पाए. बट या मैंने सोचा कि ये ऐसे वाले यू नो लाइक वन टू वन बात करने वाले व्लॉग जब मैं न्यूयॉर्क नया नया आया था तब मैं बहुत ज़्यादा बनाता था. फिर बाद में आई ओनली वेंट इनटू यू नो लाइक मोर ऑफ ट्रैवल व्लॉग्स या फिर कोई ऐसी एक जगह पे घूमने वाले व्लॉग्स एक्सेट्रा स्टफ लाइक दैट. मैंने सोचा चलो आज आके थोड़ी बातचीत करता हूँ. एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, आई एम ट्राइंग टू लर्न सम मोर कलर ग्रेडिंग. तो अगर आपको इस व्लॉग में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आए और अच्छा लगे तो ज़रूर कॉमेंट डाउन बिलो, बिकॉज आई एम गोइंग टू ट्राई टू अप माई गेम वेरी सून. यू नो लाइक आई वॉन्ट टू इवॉल्व, आई वॉन्ट टू गेट बेटर एट इट एट एवरी स्टेप. अपडेट, अगर आपको याद होगा लास्ट मेरा जो व्लॉग था पूरा स्नो स्टॉर्म के ऊपर था, एंड एज यू कैन सी काफ़ी कम स्नो बाकी है. लाइक लिटरली जितने बाकी है वो सिर्फ इतनी यहाँ पे है, एंड दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे वो लोग ने पाइल अप करके रखी थी जब वो साफ कर रहे थे. अगर ये पाइल्ड अप नहीं होती, ये नेचुरली होती, तो ये इतनी ज़्यादा नहीं होती और ये अभी तक पिघल जाती. हुआ क्या कि इस हफ्ते दो दिन बैक टू बैक पूरे दो दिन बारिश गिरी थी नॉन स्टॉप, तो उसके वजह से सारी बर्फ जो है वो पिघल के बह गई. एंड ऑल्सो बारिश के साथ टेम्परेचर वर ऑल्सो इन प्लस, यू नो लाइक एज इन अबव जीरो था, तो सारा बर्फ पिघल गया. तो या वी डोंट हैव एनी मोर स्नो लेफ्ट, बट इट इज़ नाइस ऑल्सो इन अ वे कि यू नो लाइक स्लशी नहीं है रास्ते पे स्नो में. जैसे कि मैंने एक दो ब्लॉक पहले कहा था कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ भी ख़राब हो जाती है. एवरीथिंग वॉश्ड ऑफ, एवरीथिंग लुक्स नाइस. एंड या अभी ज़रा ऊपर चलते हैं. Alright guys, so I'm back home and I'm really very excited to share everything that is going to happen with you guys. But bas ek do vlog ke liye ruk jao, shayad kya pata aapko agle vlog mein hi pata chale. But yeah, if you want you can keep on guessing. But yeah, something really really very nice is going to happen and I'm very excited. So fingers crossed ki wo jo hone wala hai wo sab acche se ho and usme kuch badha na aaye beech mein. And I'll just end the vlog here. I just wanted to talk to you guys in this vlog ki you know like I just wanted to give you guys an update कि मैं कहाँ हूँ. मैं बिजी हूँ इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था. एंड दैट कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन, अ सरप्राइज इज कमिंग. बट या बिफोर गोइंग आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर ऑल द सपोर्ट यू हैव शोन टू मी एंड दिस चैनल सो फार. फॉर ऑल ऑफ दोज गाइज हु हैव स्टक थ्रू आउट यू नो लाइक फॉर मोर देन टू ईयर्स नाउ, आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू ऑल. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन विद सम रियली रियली नाइस कॉन्टेंट जो आपको बहुत मजा आएगा देखने के लिए. टिल देन स्टे सेफ, हैव फन. Peace out.